तो शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि इस विवाद के इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन है। इंटरेस्टेड पार्टी को बताने के पहले मैं थोड़ा सा और इतिहास, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास पर थोड़ा सा गौर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसको आप कहा जाता है, उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि 22-23 की रात में, 1949 ईस्वी में रात को बीच जो तीन गुंबद थे, जो मस्जिद बनी थी उसमें तीन गुंबद थे, तो बीच वाले गुंबद में रामलला की मूर्ति को रात में रख दिया गया और इसको लेकर मुस्लिम संप्रदाय में बहुत बड़ा आक्रोश था और इस आक्रोश के चलते पुलिस प्रशासन भी आई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि और मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरे एरिया को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और सरकार ने, जिला कलेक्टर के रिपोर्ट पे सरकार ने उस मंदिर के और मस्जिद जो भी कहिए, जो विवादास्पद स्थल था उसके प्रशासन के लिए अपना रिसीवर नियुक्त कर दिया। और जब इस रिसीवर नियुक्त कर दिया तो वह वहाँ पर पूजा पाठ का काम लगभग बंद हो गया और 1950 में तब पूजा पाठ बंद हो गया तो 1950 में एक गोपाल दास विशारद थे, जो कहा जाता है कि हिंदू महासभा के सदस्य थे, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र वहाँ के अदालत में दिया, सिविल कोर्ट में, कि हम लोगों को जो पूजा पाठ बंद है उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, दर्शन की अनुमति जाए, परिक्रमा की अनुमति दी जाए। लगभग यही रिलीफ 4 महीने बाद वहाँ के एक महंत जिनका नाम परमहंस रामचंद्र दास था, उन्होंने भी यही प्रार्थना किया, लेकिन इस पर न्यायालय में अभी सुनवाई पेंडिंग रही। पहली बार उसके मैनेजमेंट को लेकर, चूंकि रिसीवर सरकार से नियुक्त आदमी उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का देखभाल कर रहा था, तो पहली बार 1759 में निर्मोही अखाड़ा के द्वारा एक केस फाइल किया गया और 1959 में 17 दिसंबर 1959 में एक निर्मोही अखाड़ा द्वारा केस फाइल किया गया कि रिसीवर को हटा के, चूंकि यह निर्मोही अखाड़ा कौन है, इनका क्या इतिहास? यह निर्मोही अखाड़ा वहाँ पर एक साधुओं का एक संगठन है, जो एक मठ है जिसको निर्मोही अखाड़ा मठ कहा जाता है। तो निर्मोही अखाड़ा के द्वारा एक पिटीशन कोर्ट में दिया गया स्थानीय न्यायालय में कि चूंकि जो रिसीवर उस व्यवस्था कर रहा है विवादित स्थल का, चूंकि यह हिंदुओं का स्थल है इसलिए उसका स्वामित्व और व्यवस्था करने का जो अधिकार है वह हम लोगों को दिया जाए। और जब यह 1959 में निर्मोही अखाड़ा चूंकि हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके द्वारा जब यह पिटीशन फाइल हो गया तो इसके प्रतिवाद में 1959 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया और मांग किया कि हिंदुओं को न देकर हम लोगों को वो अधिकार दिया जाए उसमें पूजा माने नमाज पढ़ने का, तथा उस जमीन को, उस जमीन के प्रबंधन का अधिकार हमको दिया जाए। अभी यह दोनों मामले और पूर्व में दो जो बताए थे मामले, जो दो पूर्व के दो मामले थे जिसमें केवल पूजा का अधिकार मांगा गया था और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा उस परिसर के स्वामित्व और उसके प्रबंधन का अधिकार मांगा गया था, तो पहले दो पार्टी बने चूंकि उन लोगों ने एक लिमिटेड अधिकार मांगा था पूजा का, तो जो स्वामित्व का अधिकार मांगने वाले थे निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो पहले पार्टी इस केस के हुए निर्मोही अखाड़ा, दूसरे पार्टी हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये दो पार्टी लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक ये दोनों पार्टियां हैं। इसके बाद एक तीसरी पार्टी बाद में आई, उसके पहले एक डेवलपमेंट हुआ कि 1986 में एक उमेश चंद्र पांडे नाम के व्यक्ति ने ये कहा कि पूजा पाठ करना यह फंडामेंटल राइट है हिंदुओं का, तो ताला कम से कम खुलवा दिया जाए, जब तक कि यह डिस्प्यूट पेंडिंग है कि कौन मालिक होगा कौन मालिक नहीं होगा, तो कम से कम ताला खुलवा दिया जाए ताकि रामलीला की संध्या पूजन और आरती हो जाए। तो 86 में मुंसिफ कोर्ट ने हालांकि यह रिजेक्ट कर दिया उनके इस आवेदन को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके आवेदन को मंजूर किया और कहा कि हाँ,
पूजा पाठ अगर मूर्ति रखी गई है तो पूजा पाठ वहाँ पर होनी चाहिए। सरकार ने भी साथ दिया और उसका एक आपको थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताते चलूँ कि 86 में ही एक साहबानो का केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो डाइवोर्स या तलाक जो मुस्लिम महिलाओं को दिया जाता है तो उनको भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद तलाकशुदा महिला को कोई गुजारा भत्ता पाने का अधिकार या मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। तो मुस्लिम संप्रदाय के दबाव में उस तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदलने के लिए या नलीफाई करने के लिए उन्होंने एक कानून बनवाया और उसमें कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ही नियंत्रित किया जाएगा। अगर उसमें मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं है तो उनको मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है। इस पर हिंदुओं में क्षोभ था कि सरकार जब भी कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसको मान लेना चाहिए बजाय कि मुस्लिम का पक्ष ले रही है। तो इसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ज्यों ही यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया कि ताला खुल जाना चाहिए और उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, सरकार ने भी इसमें मदद की और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था का प्रबंधन करके हिंदुओं को करने के लिए कि उधर मुस्लिम को खुश किए थे इधर हिंदुओं भी खुश हो जाए और उन लोगों को पूजा की व्यवस्था उस मंदिर में शुरू कर दिया गया। जब मुस्लिम संप्रदाय ने देखा कि सरकार तो दोनों ओर है, एक तरफ हम लोगों को भी खुश कर दिया, दूसरे तरफ उधर भी खुश हो गए और इन लोगों को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया, तब इसी प्रतिक्रिया में 1986 में ही बाबरी एक्शन कमेटी का गठन हुआ और बाबरी एक्शन कमेटी ही अब सुन्नी वक्फ बोर्ड को पीछे से समर्थन दे रही है या उनका केस लड़ रही है। तो अभी तक दो पार्टी हुए, निर्मोही अखाड़ा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रही है। उसी समय अब तीसरी पार्टी ने जन्म लिया, तीसरी पार्टी भी कानून के तहत जन्म लिया, वास्तव में वह पार्टी नहीं थे लेकिन कानूनन उन पार्टी बने। 1989 में एक देवकी नंदन थे, देवकी नंदन अग्रवाल जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो देवकी नंदन अग्रवाल ने एक सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोर्ट में एक व्यवस्था है कि अगर परिवार में बंटवारा हो रहा है तो परिवार के नाबालिग सदस्य के हित की रक्षा के लिए एक फ्रेंड की बहाली होगी और वह फ्रेंड जो होगा वह उसके हित की रक्षा करेगा। उदाहरण के लिए जैसे आपके परिवार में बंटवारा हो रहा है आपके पिता में और आप में, तो आपका अगर कोई नाबालिग भाई है तो वो भी एक पक्षकार हुआ, उसको भी एक बराबर हिस्सा पाने का अधिकार है। तो चूंकि आप दोनों लोग पक्षकार हैं तो वह नाबालिग पक्षकार की हित की रक्षा के लिए कोर्ट एक फ्रेंड की बहाली करता है। तो उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान जो मूर्ति है वह तो नाबालिग है, तो नाबालिग है तो उसके इंटरेस्ट की रक्षा के लिए एक नेक्स्ट फ्रेंड या एक बहाल होने चाहिए। तो तीसरी पार्टी का जन्म कानूनी तौर पर हुआ जिसके मान्यता हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं दिया लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी मान्यता दिया और कहा कि यह तीसरी पार्टी के रूप में नेक्स्ट फ्रेंड टू रामलला विराजमान होंगे। तो इस प्रकार तीन पार्टियों का जन्म हुआ। इसी दौरान चूंकि अब 5-6 केसेज हो गए थे उसको इस संबंध में, तीन पार्टियों के केस थे और दो पूजा के राइट्स के लेकर केस चल रहे थे, तो इन सारे केसों को चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5-6 केस हो गए थे अयोध्या डिस्प्यूट्स को लेके, तो हाई कोर्ट ने जो इलाहाबाद बेंच है लखनऊ हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि सारे मामले हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थानांतरित किए गए और इस तरह सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके बाद एक घटना और घटी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को हिंदू कारसेवकों द्वारा डिमोलिश कर दिया गया, विश्व हिंदू परिषद और सारे लोगों ने जो हिंदू से समर्थित पार्टियां थी उसने डिमोलिश कर दिया और डिमोलिश कर दिया तो उस मामले में 49 FIR दाखिल हुए
और सरकार ने एक मनमोहन सिंह लिब्रहान जो जस्टिस रिटायर्ड थे उनकी अगुवाई में एक कमिटी का कमीशन भी बना दिया और इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट भी चालू किया। इसके बाद सरकार ने 1993 में वो जो डिस्प्यूटेड ज़मीन थी वो 2.77 एकड़ थी, उसके साथ साथ 67 एकड़ जो ज़मीन थी उसके इर्द गिर्द उस सबका एक्विजिशन कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। इसके भी इसका भी चैलेंज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, एक मोहम्मद इस्माइल करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका चैलेंज किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार द्वारा ज़मीन का अधिग्रहण करना जायज़ है। यह मैं बताते चलूं कि कानूनन रूप से वो लोग दोनों लोग पूजा के अधिकार और स्वामित्व की मांग कर रहे थे, लेकिन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में उस बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला जो विवादित स्थल है वह सरकारी रिकॉर्ड में सरकार की ही ज़मीन है और उसी पर स्वामित्व को लेकर, चूंकि लंबे समय से पूजा और याचना या नमाज चला रहा था, इस आधार पर दोनों पक्ष आपस में मांग कर रहे थे कि हमको उसको पूजा अर्चना और वहाँ की व्यवस्था का अधिकार दिया जाए। और उसी का डिस्प्यूट हाईकोर्ट में चला पहले, और फाइनली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन के पहले यह जानने के लिए कि वास्तव में वहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था कि नहीं बना था, इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया। और वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर नहीं, जब हाई कोर्ट ने दिया आदेश कि आप जांच करके बताएं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जांच करके बताया कि हाँ, मस्जिद के नीचे पुराने मंदिरों के भग्नावशेष मिलते हैं, और इस आधार को मुद्दा मान के जो 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। मैंने मंदिरों का अवशेष नॉट नेसेसरी राम मंदिर, हाँ मंदिर के अवशेष मिले हिंदू में, तो यह को रिलेट करता है कि नहीं, यहाँ पर पहले हिंदू स्ट्रक्चर था जिसको तोड़ के फिर बाद में मस्जिद बनाया गया था। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उनके ग्राउंड थे, लेकिन बेसिकली जो मुख्य मुद्दा था यही मुद्दा था। और सितंबर 30, 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन पार्टी जो बने बताया, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे थे, इन तीनों को 2.77 एकड़ ज़मीन में 1/3, 1/3 और 1/3 का हिस्सेदारी दिया। ओके, अब यहाँ पर हम यहीं रुकते हैं पार्ट वन के लिए। पार्ट टू में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उसको पूरे विस्तार से उस जजमेंट को देखेंगे। धन्यवाद।